हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं विच इज़ मोलैरिटी। ओके, फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी का जो एप्लीकेशन है वो हमको काफ़ी सारे चैप्टर्स में देखने को मिलता है। ठीक है, ऑब्वियसली जो मोल्स है उसमें आएगा। ठीक है, फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होता है उसमें यूज़ आ जाता है, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री के लगभग सारे ही चैप्टर्स में इसका यूज़ आएगा ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, तो इसलिए हमको इसको समझना, अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोलैरिटी। ठीक है, इसको हम लोग सिंबल इसका कैपिटल एम रहता है, इसका जो यूनिट रहता है इसका यूनिट हम बोल सकते हैं मोलर। ओके, इस यूनिट को हम मोलर बोलते हैं। अब पहले तो ये समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, अच्छा उसके पहले एक और चीज़ हम देख लेते हैं कि इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से करते हैं। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यार द मोलैरिटी ऑफ HCl, है ना, ये डब्बे वाला HCl, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मोलैरिटी ऑफ HCl। सो द मोलैरिटी ऑफ HCl इज 0.05 मोलर, इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन रहेगा। ओके, चलिए तो अब आगे हम पढ़ते हैं कि यार हम ये मोलैरिटी, व्हाट इज मोलैरिटी। ठीक है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशंस बनाते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि यार लेट अस डिफाइन मोलैरिटी एज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसके मोल्स, जो भी हमारा सोल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विच दैट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो मोलैरिटी का डेफिनेशन ऐसे हो जाता है कि मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ओके, और ये हमेशा लीटर्स में रहेगा। ठीक है, अगर इसको मुझे प्रॉपर तरीके से डिफाइन करना है, ये तो इसका क्या हो गया, एक बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोलैरिटी का फॉर्मूला याद रखना है हमको। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अच्छा अगर इसको मतलब बोलना है कि यार इन्होंने ये कैसे कर लिया, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि मोलैरिटी इज डिफाइंड एज मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट, ओके, पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ओके, इज मोलैरिटी। व्हाट इज मोलैरिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ओके, चलिए तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, है ना। इसको अगर शॉर्टकट में दिखाना है जिसको हम अभी यूज़ करेंगे, तो कैपिटल एम इज इक्वल टू एन अपॉन वी। एन क्या है, मोल्स है, वी क्या है, वॉल्यूम है। ओके, अच्छा ये अब हमको पता है कि अगर ये इस तरह से है तो इसको हम एक और तरीके से यूज़ कर सकते हैं। क्या करो, इधर डिवीजन में, उधर मल्टीप्लीकेशन में लेके चले जाओ, तो यहाँ से हमारा एक और फॉर्मूला आ जाएगा, एन इज इक्वल टू एम इंटू वी। मतलब किसी सॉल्यूशन में कितने मोल्स है वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। मोल्स अगर मुझे निकालने हैं तो मैं क्या कर दूंगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम कर दूंगा। ओके, तो ये दोनों तरीके से फॉर्मूला, एक फॉर्मूला अगर तुमको याद है तो दूसरा इजीली तुम लोग क्या कर सकते हो, सिर्फ मल्टीप्लाई ही करना है, राइट। चलिए तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा फॉर्मूला रहता है, मतलब बेसिक तो यहीं से स्टार्ट होता है, राइट। चलिए अब हम इसको थोड़ा एक एग्जांपल से के जरिए करते हैं। हमको बोला है कि यार 2 मोल्स ऑफ NaOH आर प्रेजेंट इन 800 ml सॉल्यूशन, है ना, फाइंड इट्स मोलैरिटी। तो क्या आएगा बताओ, डब्बे वाला NaOH विल बी इक्वल टू 2
मोल्स है ना, 2 मोल्स डायरेक्टली गिवन है डिवाइडेड बाय 800 ml. अब 800 ml को क्या लिखेंगे, 0.8. आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि लीटर्स में डालना है तो ये आ जाएगा 20/8 है ना, 2.5 मोलर. क्लियर है सबको, राइट? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं. फाइंड मोल्स ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, है ना, 20 ml, है ना. टेस्ट ट्यूब वगैरह लेते हैं अपन तो यार, तो 20 ml सॉल्यूशन ऑफ 0.005 मोलर सॉल्यूशन. तो यहां पर अब इस बार हमको क्या बोला है कि मोल्स पता करो, तो मोल्स के फॉर्मूला लगा देंगे. मोल्स का फॉर्मूला क्या था, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम. तो मोल्स आ गए मेरे, मोलैरिटी गिवन है 0.005, और वॉल्यूम कितना लेना है, 20 लेना है या 20/1000 लेना है. तो यस, वॉल्यूम हमको ऑब्वियसली लीटर्स में डालना पड़ेगा. तो इस तरह से आ जाएगा, ये कट गया. ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10 की पावर, ये माइनस 10 की पावर -3 और ये -5, तो ये आ जाएगा 5 × 2 × 10 की पावर -5. तो दिस इज 10^-4 मोल्स. क्लियर है ना, ये थोड़ा सा मैथ्स का पार्ट है, ये मैथ्स तो तुमको आता है, तो इस तरह से ये मैथ्स आ जाएगा. ओके, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. ओके, चलिए. तो ये तो मतलब बेसिक चीज हो गई कि यार कितना मतलब मोलैरिटी कैसे निकाले, या फिर मोलैरिटी अगर पता है तो मोल्स कैसे निकाले. ठीक है, मतलब ये बेसिक अपन ने अभी थोड़ा सा स्टार्ट किया है. ठीक है, अब इसको अपन आगे लेके चलते हैं. मोलैरिटी अपने आप में एक बहुत वाइड टॉपिक है ना, काफ़ी सारे पार्ट्स है इसके. तो हम लोग इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं. सेकेंड पार्ट है मोलैरिटी ऑफ आयंस. तो कुछ भी नहीं है, सिंपल, मेरी बात ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल से ही करते हैं. मान लो मुझे बोला है कि यार जो AlCl3 है, लेट से इसकी मोलैरिटी है 1.2 मोलर. तो मुझे बताओ कि यार Al+3 की मोलैरिटी कितनी आएगी एंड Cl- की मोलैरिटी कितनी आएगी, ये हमको पूछा है. ओके, दीज आर द इंडिविजुअल आयन्स, है ना, दीज आर द इंडिविजुअल आयन्स ऑफ AlCl3, उनकी मोलैरिटी हमको निकालनी है. तो कुछ भी नहीं है, ये अगर मैंने तुमको बोला कि यार AlCl3 है, इसका क्या मतलब है कि मेरे पास एक एल्यूमिनियम है और 3 क्लोरीन है, सही है. तो अगर AlCl3 की मोलैरिटी 1.2 है, तो मैं क्या बोलूंगा, Al की मोलैरिटी कितनी आ जाएगी, 1.2 × 1, क्योंकि एल्यूमिनियम सिर्फ 1 है ना यहां पर. और यहां पर मैं क्या बोलूंगा कि Cl- की मोलैरिटी कितनी आ जाएगी, 1.2 × 3. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे और चीजें क्लियर होती जाएगी. जैसे मान लो मुझे बोला है कि हम वी हैव जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसकी मोलैरिटी हमको गिवन है 0.7 मोलर. तो मुझे बताओ कि कैल्शियम की मोलैरिटी कितनी आ जाएगी, 0.7 × 1, एंड OH की मोलैरिटी कितनी आएगी, 0.7 × 2. क्लियर है, इस तरह से हो जाएगा. कैल्शियम की मोलैरिटी आ जाएगी 0.7 एंड OH की मोलैरिटी आ जाएगी 1.4. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, चलिए तो इसका एग्जाम्पल करते हैं जिससे और चीजें क्लियर हो जाएंगी.
फाइंड मोलैरिटी ऑफ ईच आयन प्रेजेंट इन 2.5 मोलर Fe2SO4 होल थ्राइस सोल्यूशन। ओके, वीडियो को पॉज कर सकते हो एंड ट्राई टू आंसर दिस। चलिए, तो हो गया होगा, नहीं हुआ है तो पॉज कर लो, आराम से सॉल्व कर लो। ओके, कोई घाई नहीं है। चलिए, तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं कि आयरन की मोलारिटी कितनी आ रही है, 2.5 को हमको सिर्फ क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगी 5 मोलर। एंड SO4 की मोलारिटी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2.5 इंटू 3, दिस इज 7.5 मोलर। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर, है ना, बहुत ही इजी टॉपिक है, मतलब इसका एप्लीकेशन आगे रहेगा, लेकिन इतना पहले बेसिक हमको निकालते आना चाहिए, राइट? चलिए, तो दिस इज मोलारिटी ऑफ आयंस। ओके, तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि मोलारिटी किस तरह से फाइंड करते हैं, मोलारिटी का मतलब एक्चुअली क्या होता है, राइट? मोलारिटी इज दिस, इसका ये इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला हमने देखा जिसको हमको याद रखना है अच्छी से। फिर हमने उस फॉर्मूला का एप्लीकेशन देखा टू फाइंड मोल्स, राइट? अगर मोलारिटी पता है तो वहां से हम मोल्स भी निकाल सकते हैं। ओके, फिर हमने कुछ एग्जांपल्स किए मैंने इसके ऊपर, और फिर हम लोग आ गए थे मोलारिटी ऑफ आयंस पर। तो मोलारिटी ऑफ आयंस कुछ भी नहीं है, हमको सिर्फ क्या करना है, उसके नंबर ऑफ एटम्स से मल्टीप्लाई कर देना है। कि भाई हमने बोला यहाँ पर क्लोरीन के तो 3 एटम्स है, तो हमने क्या कर दिया, 3 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, राइट? तो दैट इज मोलारिटी ऑफ आयंस, है ना, उससे हम निकाल सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, थैंक यू।